हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडी में। और आप मेरी स्क्रीन पे एक स्लाइड शो देख सकते हैं। तो मैं आज आपको एक इजीएस्ट वे से सिखाने वाली हूं कि कैसे आप अपने वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं एक स्लाइड शो की हेल्प से। और इस स्लाइड शो को बनाने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कोडिंग लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और हम लोग किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उस वेबसाइट में किसी ना किसी पेज पे कोई ना कोई स्लाइड शो रहता ही है, और जिसमें वो कुछ लाइंस लिखते हैं या फिर कुछ इमेजेस डालते हैं अपने कंपनी से रिलेटेड या अपने वेबसाइट से रिलेटेड। तो आप भी अपना अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा इमेज डाल के। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोटपैड ओपन करेंगे, देन इसमें टाइप करेंगे स्टाइल। स्टाइल टैग, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक डिव हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो डिव में हम लोग क्या क्या इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो डिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग हैश लगाते हैं, और यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल का नाम आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे M दिया, फिर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे टॉप। टॉप हम लोग इसलिए लिख रहे हैं, मतलब हम लोग चाहते हैं कि वो जो इमेज रहे वो कहाँ से स्टार्ट हो, तो हम लोग चाहते हैं ये 0% से स्टार्ट हो, यानी स्क्रीन में ये स्टार्टिंग से रहे। हम लोग यहाँ पे 0% लगाएंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग लेफ्ट भी देंगे, तो हम लोग चाहते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो इस पार्ट से, और टॉप हमने दिया है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो लेफ्ट में भी हम लोग यहाँ पे 0% लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 20% देते, तो जो हमारा इमेज है वो यहाँ से रहता इस पार्ट से लेफ्ट, अगर 20 रहता तो 30 रहता तो यहाँ से रहता, 40 रहता तो यहाँ से रहता, 50 में यहाँ पे। और ठीक इसी तरह से अगर टॉप हम लोग लिखते मान लीजिए 50, तो वो मिडिल से स्टार्ट होता है स्क्रीन में, इस वजह से हम लोग यहाँ पे टॉप और लेफ्ट को 0% दिए। अब हम लोग यहाँ पे विड्थ लिखेंगे, तो विड्थ हम लोग दे देते हैं 100% ताकि ये पूरे स्क्रीन में आए, और यहाँ पे हाइट दे देते हैं वो भी 100%। और अब यहाँ पे हम लोग पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन में हम लोग यहाँ पे अब्सोल्यूट देंगे, और यहाँ पे एनिमेशन लिखा जाता है, और यहाँ पे भी हमें की फ्रेम का वेरिएबल, की फ्रेम का कुछ भी हम लोग वेरिएबल नेम दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एएस दिया, तो वही सेम वेरिएबल यहाँ पे भी लिखेंगे और की फ्रेम के साथ भी लिखेंगे। और ये कितने सेकेंड्स का होना चाहिए, तो मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्लाइड शो रहे वो रहे 10 सेकेंड्स का। 10 सेकेंड्स में मान लीजिए मैं 10 पिक्चर्स इंसर्ट करवाती हूँ, तो वो सारा 10 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनफाइल नाइट, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखती हूँ इनफाइनाइट के प्लेस पे, तो ये 1 टाइम चलेगा। और इनफाइनाइट हम मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये कभी भी रुके ही नहीं, ये चलता रहे। देन यहाँ हम लोग सेमी कॉलन लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग की फ्रेम ऐड करेंगे, तो की फ्रेम ऐड करने के लिए हम लोग एट द रेट लगाते हैं, देन की फ्रेम लिखते हैं, की फ्रेम्स लिखते हैं सॉरी, और यहाँ पे एएस लगाएंगे जो हमने वेरिएबल नेम यहाँ पे भी दिया हुआ है एनिमेशन के साथ। अब हम लोग दिखाएंगे कि कैसे कैसे पिक्चर आना चाहिए। तो पहले 0% पे क्या आता है, तो 0% और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड, URL, और यहाँ पे जो इमेज आप इंसर्ट करवाना चाहते उसका नाम,
तो मैं देख लेती हूँ मेरे पास कौन क्या क्या नाम से इमेजेस पहले से है सिस्टम में। देखिए जैसे मैं A1 दे देती हूँ, A1, A2 ये सारा दे देती हूँ नाम। A1.jpg और यहाँ हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड साइज और यहाँ पे हम लोग हाइट और विड्थ लिखेंगे। तो ये भी 100% मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है हाइट और विड्थ 100%, ये डिव का हाइट और विड्थ है। और यहाँ पे जो हम लोग हाइट और विड्थ लिख रहे हैं ये इमेज का हाइट और विड्थ लिख रहे हैं कि 0% में जो इमेज आएगा उसका कितना हाइट रहेगा। और इसे हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब ये सेम चीज हम लोग जैसे अब कितने टाइम्स में दिखाना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए मैं 0%, देन 20%, देन 40%, 60%, 80, देन 100% पे दिखाना चाहती हूँ। तो सेम चीज को हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे 20% लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे 40%, आप कितने भी परसेंट पे चाहे तो दिखा सकते हैं। यहाँ 60%, यहाँ 80, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100। और यहाँ पे हम लोग इमेज को चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ दे देती हूँ, एक यहाँ पे IMG1 करके इमेज है, मैं इसका ही नाम डाल देती हूँ। इस तरह से हमने सारे पिक्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग को सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हम लोग क्लोज करेंगे, की फ्रेम वाला, देन स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करेंगे और इसमें डिव लिखेंगे। डिव ID इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट करवाया जिस वेरिएबल में उसका नाम देना है। तो जैसे यहाँ पे हमने M में लिखा था ना, M नाम से हम लोग डिव क्रिएट किए थे, डिव ID में हम लोग यहाँ पे M लिखेंगे। और फिर डिव को क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे बॉडी टैग भी क्लोज होगा। और अब इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। s.html लिख के मान लीजिए मैं सेव कर लेती हूँ। अब इसमें राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ में जाएंगे, देन गूगल क्रोम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए आपका स्लाइड शो तैयार है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ इससे सीखा है
और आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।